हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवे फ्रॉम सह्याद्री बोर फार्मिंग महाराष्ट्र। बेसिकली आज हम लोग आरे के अंदर है। आरे में एक प्रोजेक्ट हमारा था, पिछले 6 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को हमने इनिशिएट किया था। जैसे आप पर्ल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हो, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, फिर 2 साल की जर्नी होती है। तो जब भी कोई पर्सन हमसे कनेक्ट होता है तो 2 दिन का ट्रेनिंग लेता है, फिर 2 साल के लिए चाहे तो वो इंडिविजुअल में जा सकता है या फिर जैसे कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रुप पर्ल फार्मिंग का। तो सर ने कुछ साल पहले, 1 साल पहले ट्रेनिंग लिया अपना, और 6 महीने पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया, और प्रोजेक्ट लगाने के बाद आज 6 महीने सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कैसे है कि बाय प्रोफेशन सर डॉक्टर है, तो उनका शेड्यूल पूरा हॉस्पिटल के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है ना कि प्रोजेक्ट हमने दिखा दिया तो लोग डिमांड करते हैं कि हमें भी देखना है। सो विद दी परमिशन, अगर आप चाहे तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं सर से एक बार परमिशन लेके आप इस प्रोजेक्ट पे आके विजिट कर सकते हो। 6 महीने का रिजल्ट मेरे हाथ के अंदर है, कुछ मोर्टेलिटी भी हुई नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रोजेक्ट पूरा, सर का कहना ऐसा है कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा बनता नहीं है, एक पर्ल खुद का बनाते नहीं है, तब तक वो बाइट नहीं लेंगे सह्याद्री पर्ल फार्मिंग को। सो लेट्स होपफुली कि एक बार ये पूरा बन जाए, उसके बाद मैं सर को हमारे चैनल पर इंट्रोड्यूस करूँगा और इसकी जर्नी में आपको डे बाई डे अपडेट करते रहूँगा। तो 6 महीने हम लोगों ने प्री सर्जरी, सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, यहाँ तक ये पूरा सेटअप जैसे कि आप देख रहे हो। तो विद दी सह्याद्री पर्ल फार्म गाइडेंस सर ने हमसे कोऑर्डिनेट किया, और उस कोऑर्डिनेट बेस पे हम लोगों ने ये पूरा सेटअप, टैंक किस तरीके से होना चाहिए, प्लम्बिंग कैसे होने चाहिए, बायोलॉजिकल फिल्टर, आप यहाँ पे ब्लैक कलर का बायोलॉजिकल फिल्टर देख सकते हो, पीछे डीओ के इशू आ रहे थे, डीओ में एरिएशन लगाया हुआ है, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक साउंड कर रहा है, दैट्स अ एरिएशन, एरिएटर अभी चल रहा है, एरिएटर मैं बंद नहीं कर सकता बिकॉज लाइव मसल्स अभी अंदर के साइड में। दत्ता सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा आइए। यू कैन सी हियर, सर ने यहाँ पे अपने खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ शीपों का सर्जरी किया। ये जस्ट और पानी में रखा है कि नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट बेस पे नहीं है, टेम्परेचर अभी अच्छा चल रहा है, इस वजह से सर ने इनको सर्जरी करके अपनी खुद से। देखो क्या होता है पर्ल फार्मिंग के अंदर, हम खुद भी जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो हम खुद आके आपको सर्जरी करते हैं, लेकिन एज अ पर्ल फार्मर आपको खुद को भी कुछ इनिशिएटिव करने चाहिए, आपको खुद को भी सीखना चाहिए, और उसी के लिए ये सर ने खुद सर्जरी किए हुए हैं। यहाँ पे यू कैन सी बायोलॉजिकल फिल्टर है, अभी इसके स्वैब जाने वाले हैं, इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया हम लोग डालते हैं वो जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। सी बायोलॉजिकल फिल्टर लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बायोलॉजिकल फिल्टर लगाने के बाद उसके अंदर गुड बैक्टीरिया डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर वो हुआ है तो वो किस लेवल पे है ना, और कौन सा बैक्टीरिया है। जैसे कि जो रिपोर्टिंग सर की चल रही है कि पिछले कुछ महीनों से इसमें अमोनिया ना के बराबर है, महीनों से मैं बोल रहा हूँ, लाइक मे बी 2 से 3-4 महीने हुए हैं, इसमें स्टार्टिंग में अमोनिया बहुत रेज हो रहा था, 2 ppm 4 ppm तक भी गया था। बायोलॉजिकल फिल्टर जो काम करता है वो कुछ टाइम के बाद काम करता है। ड्यूरिंग दिस वीडियो में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल फिल्टर इट मीन्स इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अपने बॉडी के अंदर भी कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं अमोनिया को खाते हैं, तो उनको डेवलप होने के लिए मिनिमम 45 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। इससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन नेचुरल प्रोसेस अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो 45 डेज लगते हैं। तो उस 45 डेज में जो अमोनिया था वो कंटिन्यूसली रेज हो रहा था, और अभी के सारे पैरामीटर, पीएच, अमोनिया, टीडीएस, सारे पैरामीटर कंट्रोल में, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, बहुत ही अच्छे लेवल पे सर ने मेंटेन किया। सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूसली यहाँ पे सर्कुलेशन कर रहे, फीडिंग कर रहे। देखो क्या है, पर्ल फार्मिंग करना है, लोग सोचते हैं कि यार सर्जरी हो गया, शिफ्ट डाल दिया, हो गया, ऐसा है नहीं। उसके बाद आपको उनको कंटिन्यूसली उनकी फोकस करनी होती है, उनको फीडिंग देना होता है, सर्कुलेशन टाइम पे करना होता है, जो पैरामीटर्स है वाटर के पैरामीटर्स है वो मेंटेन करने होते हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, पर्ल फार्मिंग में मोती बनाने का काम शिप करती है, हमें और आपको मिल गए। शिप के लिए वो इन्वायरमेंटल जनरेट करना है, उनको हैबिटेट, हैबिटेट बेस पे उनको वो सेटअप रेडी करके देना है, हम उनको जस्ट केयर करते हैं, उनको उस घर बना के देते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं। मोती बनाने का काम नेचुरली, बायोलॉजिकली शिप खुद करती है। तो ये जर्नी इस लेवल पे है, आगे चल के इसके हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरी विजिट्स होती है, मैं ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रुप पर्ल फार्मिंग के अंदर जुड़े हैं तो सिर्फ ग्रुप पर्ल फार्मिंग करेंगे, हम ग्रुप पर्ल फार्मिंग के साथ हमारे इंडिविजुअल में भी कुछ लोग कनेक्टेड है, उनको उनके साथ भी जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के इनके साथ एक
वीकली मीटिंग या मंथली मीटिंग या 15 डेज में क्वार्टरली मीटिंग भी हम रख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे ग्रुप पल फार्मिंग के जितने इंडिविजुअल पल फार्मर जो मेरा चैनल का भी वीडियो देख रहे वो हमारे से जुड़े रहे। बहुत बार कैसे होता है ना, प्री सर्जरी, सर्जरी, पोस्ट सर्जरी सेटअप तक लोग हमसे बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, फिर उसके बाद है ना कॉन्टैक्ट करना छोड़ देते हैं या कॉल करना छोड़ देता है, डेली रिपोर्टिंग छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोग नए होते हो, दो दिन ट्रेनिंग लेते हो, दो साल हमसे जुड़े होते हैं, आज अभी कमिटेड, टू इयर्स वी आर गोइंग टू कमिटेड। सिर्फ कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है कि आपको दो दिन आना है, ट्रेनिंग लेना है, सेटअप लगा देना है, फिर कुछ महीने 15 दिन आपसे कोऑर्डिनेट करना, फिर भूल जाना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमेशा हमें गाइड करने होते हैं, हमारी खुद की भी एक्सपर्टीज यहाँ पे लगी रहती है। जितना ये प्रोजेक्ट आपका होता है उतना ही हम भी उसमें एफर्ट लगाते हैं। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी कभी आप पर्ल फार्मिंग के लिए जुड़ते हो तो सिर्फ सेटअप लगाने तक की मेहनत नहीं करनी होती है आपका खुद का, जब तक आप पर्ल हार्वेस्ट करते नहीं हो, जब तक उसको आप बेचते नहीं हो, और बेचने के बाद आपके पास एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग ROI बोलते हैं वो मिलता नहीं है, तब तक की आपकी पूरी कोशिश होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लगाने तक का मेहनत लगा करते हैं, प्रोजेक्ट में रिजल्ट लगा निकालने तक की मेहनत करते हैं, सेविंग के ऊपर फोकस नहीं करते। तो मेरा कहना यह है कि आज आप प्रोजेक्ट बना भी लोगे, लगा भी लोगे, माल बनाओगे भी, लेकिन बेचोगे कहाँ पे? और ये जो बेचोगे कहाँ पे, इसके लिए सह्याद्री पर्ल फार्मिंग है। चाहे आप हमारे से जुड़े हो इंडिविजुअल में, चाहे आप मेरे से ग्रुप में जुड़े हो, चाहे आप कहाँ से भी जुड़े हो, किसी भी पर्ल फार्मर से जुड़े हो, आप इंडिविजुअल फार्मिंग कर रहे हो, आपके पास माल बना हुआ है और आप बेच नहीं पा रहे हो, आप सह्याद्री पर्ल फार्मिंग को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, एक अच्छा बिजनेस आपका बना सकते हो। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें भी है जिससे जुड़ के आप अपना डेली का कुछ रिटर्न्स आपको चाहिए, जैसे कि हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारा सेलिंग मॉडल है, हमारा एम्प्लॉय जनरेशन का मॉडल है, तो उसके अंदर आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल चाहिए तो जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है उसके आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।